नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। राजा महेंद्र अरिदमन सिंह पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार व रानी पक्षालिका सिंह भदावर विधायक को जान से मारने की धमकी दी। हिंदूवादी संगठनों ने आक्रोश जताते हुए धमकी देने वाले अभियुक्त को 72 घंटे के अंदर मामले का खुलासा करने की प्रशासन से मांग की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में आज यहाँ आना हुआ, क्या मांगे आप? जो हमें मीडिया के माध्यम से पता चला था कल कि महाराज भदावर, महारानी भदावर के खिलाफ एक व्यक्ति विशेष ने बहुत अपहृत भाषा का टिप्पणी की है और जान से मारने की धमकी दी है। हम लोग लिखित में लेटर वायरल किया, उन पर लेटर स्पीड पोस्ट द्वारा पहुंचा हुआ है डाक से। हम लोग मांग करते हैं, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं, हम लोग मांग करते हैं अगर 72 घंटे में इसका खुलासा नहीं हुआ, जो व्यक्ति हो सामने उसका शासन प्रशासन उसका खुलासा करे। अगर नहीं होता सर्व समाज सड़कों पर उतर के, उस पर एक विमल है उसका नाम दिया हुआ है, योगेश कुमार विमल बसपा का नेता है, बसपा का नेता है योगेश कुमार विमल, उसका नाम उसके नाम से लेटर है। नहीं नहीं देता तो, लेकिन उसका हमें वो तो मालूम पड़े कौन आदमी है, किसने दिया है, राजा भदावर के प्रति कौन किया है, उसका हमें प्रमाण चाहिए। शासन प्रशासन जांच करे ना, शासन प्रशासन किस लिए बनाया है? इसलिए बनाया कि एक दूसरे के लिए, हमें किसी को दूंगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। जो भी लिखा है राजा भदावर महारानी के खिलाफ, अगर उसके खिलाफ अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, 72 घंटे का अल्टीमेट दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं हम लोग। इस बार को तीन दिन हो चुके हैं। हाँ, ये तो पुलिस प्रशासन को पता होना चाहिए। आपकी मीडिया रोज छाप रही है, कल से छापा, हम लोगों को मालूम पड़ा। पुलिस प्रशासन गंभीरता से लेना चाहिए। महाराज भदावर कैबिनेट मंत्री रहे, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे 3 बार और विधायक भी रहे, वहाँ से कई बार लगातार रहे, सम्मानित व्यक्ति हैं। हम क्षत्रियों के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं और सर्व समाज के व्यक्ति हैं, है ना। राजा तो राजा ही होते हैं, लेकिन उनके खिलाफ अगर जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो 72 घंटे के बाद पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा और सड़कों पे उसका जिम्मेदार प्रशासन और सरकार होगी। ठीक है, मेरा नाम शैलू पंडित है, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का महामंत्री हूँ जी। 3 दिन पहले एक लेटर वायरल हुआ, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी जनों के पास पहुँचा। उस लेटर में, ये लेटर नहीं मैं बोलता हूँ, समाज में एक आप मान लीजिए कि ये सद्भावना विकार करने के लिए बात हो रही हो त्यौहार से पहले इस तरीके से आप, और ये अप्रिय घटना है जिस प्रकार लेटर वायरल हुआ है। बसपा के नेता हैं जिनके लेटर, जिनके नाम से लेटर वायरल हुआ है, मैं उनकी सोच सोचता हूँ कि वो अपनी सोच के माध्यम से उस लेटर को वायरल कर रहे हैं, और प्रशासन को भी जागना चाहिए। इस प्रकार के लेटर जब भी वायरल होते हैं उसको तुरंत कार्रवाई कर देनी चाहिए, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति किसी और को भी प्रोत्साहन ना मिले, ना ऐसे लेटर बार बार वायरल हो। क्योंकि आज अगर राया साहब के खिलाफ हुआ है, कल किसी और नेता के खिलाफ होगा, समाज में भ्रांतियाँ फैलेंगी, लोग सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन होंगे, तो शासन और प्रशासन को भी इसको बड़ी भरीता से पहले ही दिन इस पर मुकदमा लिखकर उस व्यक्ति को जेल भेज देना चाहिए था, जो भी व्यक्ति दोषी है या उस लेटर का मिसयूज हुआ है। हमारी जिस प्रकार बात हुई उस व्यक्ति से, उन्होंने बोला मेरे लेटर का मिसयूज हुआ है, मेरे लेटर का मिसयूज क्यों नहीं हुआ, मैं ये कहना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है, उनको प्रशासन दोषी ठहराए और उनको तत्काल मुकदमा लिखकर उनको जेल भेजे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो सर्व समाज राया जी के सम्मान में सड़कों पर उतरेगा, आंदोलन करेगा, अन्यथा नहीं तो फिर कानून को हाथ में लेने का काम हमारे खुद के क्षत्रिय महासभा के लोग, सर्व समाज के लोग करेंगे और हम उसको पकड़ के लेकर आएंगे। ठीक है।